अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस नॉफल फूड ब्लॉग। होप्स एवरीवन इज़ फाइन एंड ग्रेट। तो जी फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगेन एक न्यू रेसिपी एक न्यू कंटेंट के साथ। तो हमारे इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ चिकन चीज पकौड़ों की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे दो पोटैटो। सबसे पहले हम पोटैटो को पील ऑफ करेंगे। इसको हमने सबसे पहले इसको बीच से धो करेंगे, फिर इसको आपने बारीक बारीक कट करना है। तो फ्रेंड्स, पर्सनली पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मेरी वाइफ से फरमाइश होती है चिकन पकौड़ों की। अब हम अनियन लेंगे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले 4 to 5 टेबलस्पून बेसन लेंगे हम। इसके बाद आलू हम ऐड करेंगे इसमें। आलू ऐड करने के बाद इसमें हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए थे प्याज ऐड करेंगे। इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे जायका वो ऐड कर दिए हमने। अब हम इसको इसमें पानी ऐड करेंगे। अब साथ ही इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में हम इसके अंदर चीज ऐड करेंगे। अब चीज़ ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इसको। फ्रेंड्स, ये देखें, तो फ्रेंड्स हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम आते हैं फ्राई की तरफ। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। देखिए इसमें कलर कितना खूबसूरत आया है। ये हमने जो इसके अंदर फूड कलर ऐड किया था उससे कलर बहुत खूबसूरत आता है निकल कर, माशाल्लाह से देखें। अब हम इसकी साइड भी चेंज करते रहेंगे। तो जी फ्रेंड्स, पकौड़े हमारे
रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। पहले हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे केचप। इसके बाद हम ऐड करेंगे चीज। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली हमारे चिकन चीज़ पकोड़े रेडी हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके डिलीशियस, कितना डिलीशियस लुक है इसका और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। जी फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी है ये। बहुत ही डिलीशियस बने हमारे पकौड़े। तो फ्रेंड्स, घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक भी आगे कीजिएगा कि पकौड़े कैसे बने हमारे। हमारी इस रेसिपी को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिस्टर एंड मिसेस नौफल बेक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम हाजिर होंगे एक न्यू रेसिपी, एक न्यू कॉन्टेंट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।